नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, आज बात करेंगे समाज की विसंगतियों की, और समाज की विसंगतियों में सबसे बड़ी बात कि सामाजिक संस्थाओं की मूलतः जिम्मेदारी को निभाते हैं समाज के पदाधिकारी, और समाज के पदाधिकारी कहीं ना कहीं समाज का आईना भी होते हैं, और जिस समाज के भी पदाधिकारी जो भी हों, वो पदाधिकारी कैसे होने चाहिए, उस समाज की रीति नीति परंपरा मर्यादा लीक को जानने वाले होने चाहिए या नहीं, उस परंपरा को मानने वाले होने चाहिए या नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा है। और बात होगी समाज में जैन समाज की, जैन समाज में जहां पर अहिंसा की बात है, जहां पर शाकाहार की बात है, जहां पर नशा मुक्ति की बात है, उस समाज में समाज की संस्थाओं के पदाधिकारी कैसे होने चाहिए। और आज हमारे साथ हमारे अतिथि के रूप में वो शख्सियत जिनका इंटरव्यू आप पहले भी सुन चुके हैं, और जिन्होंने समाज के कुछ ऐसे गणमान्य लोगों के व्यक्तित्व के बारे में प्रकाश डाला था, जिन्होंने दान दिया तो इस तरह से दिया कि एक हाथ ने दिया तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला। उसी समाज की परंपरा में समाज की विसंगतियों की बात करने वाले और समाज में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसकी भूमिका बताने वाले हमारे साथ चेन्नई की वो शख्सियत जिनके बारे में लोग कहते हैं कि जो समाज के लिए इतना करते हैं लेकिन अपना कहीं भी नाम आने नहीं देते। जब उनका एक साक्षात्कार लोगों ने सुना जिनमें समाज के गणमान्य लोगों की उन्होंने चर्चा की, तो हमारे पास तेलंगाना से एक फोन आया श्रीमान स्वरूप चंद जी बोहरा साहब का, जिन्होंने हमसे कहा कि जिस व्यक्ति ने समाज के अन्य लोगों के नाम बताए हैं और उनके दान की परंपरा को बताया है, ये व्यक्ति भी दान उसी तरह से करता है लेकिन अपना नाम नहीं बताता। हमें गर्व है कि हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत चेन्नई से जुड़ रही है जिन्हें लोग बड़े मान से सम्मान से जानते हैं, श्रीमान सुगाल चंजी जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर। जैन साहब, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज जैसा कि विषय है बहुत गंभीर भी है और बहुत आवश्यक भी है, जैन समाज की हम बात कर रहे हैं, और जब जैन समाज की बात कर रहे हैं तो सामाजिक संस्थाओं की बात होगी, और सामाजिक संस्थाओं का दायित्व निर्वहन करते हैं समाज के पदाधिकारी। हमारा मूल विषय ये है जैन साहब कि समाज के पदाधिकारी कैसे होने चाहिए। जैसे कि आपने कहा समाज के पदाधिकारी कैसे होने चाहिए, समाज के पदाधिकारी आदर्श होने चाहिए ताकि उनको देखकर आज की पीढ़ी अपने आप को मोटिवेटर समझे जी। लेकिन अभी हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सी संस्थाओं के पदाधिकारी, जिसमें भी विशेष तौर पर धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी, चाहे स्थानक ले या तेरापन भवन ले लीजिए, जैन भवन ले लीजिए, स्थानक ले लीजिए, मंदिर ले लीजिए, जो भी लेते हैं, तो उनके पदाधिकारियों का चुनाव होता है। तो आजकल एक तो चुनाव की प्रक्रिया भी बहुत जोर शोर से हो गई है, दूसरे में जो पदाधिकारी चुने जाते हैं, एक बार ऐसे ही एक कॉन्फ्रेंस में मैं बैठा था जी। तो वहाँ जैन कॉन्फ्रेंस थी तो पदाधिकारियों का चुनाव हो रहा था, तो मैंने कहा भाई कि जैन संस्थाओं के जो अभी पदाधिकारी चुने जा रहे हैं तो उनमें उनको पहले शपथ लेते समय ये शपथ लेनी चाहिए कि मैं मांस और मदिरा का सेवन यदि करता था तो आगे से नहीं करूंगा, और नहीं करता था तो आगे भी कभी नहीं करूंगा। तो मेरे बाजू में एक बहुत बड़ी शख्सियत थी तो उन्होंने कहा सुगाल जी तो फिर इसमें से 50-60% लोग नीचे उतर जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
बड़ी दर्दनाक बात है, क्योंकि बात करीब 10-7-8 साल पहले की बात है, और अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली का, तो दिल्ली में भी मेरी एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी इस बारे में बहुत ही दुख जताया। बोले कि सुगाल जी, 50 क्या 80% लोग नीचे उतर जाएंगे, 20% ही पदाधिकारी ऐसे हैं कि जो मध्य का सेवन नहीं करते हैं। मांस का तो वो कर रहे थे, अभी भी इतना नहीं है, सेवन चालू हुआ है, 5% या 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन मध्य का सेवन और जो भी बड़े लोगों के अंदर बहुत ही ज्यादा हो गया, यहाँ तक कि महिलाओं में भी सोशल ड्रिंक के नाम से अपना स्थान बना रही है। तो बिल्कुल, मेरा आप एक गलत परंपरा चल रही है साहब। लोग कहते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में जब बड़े बड़े लोगों के साथ, विदेशी लोगों के साथ टेबल पर बैठना पड़ता है, तब दो घूंट लेना ही पड़ता है। और ये बात वो इस तरह से बताते हैं जैसे उनकी मजबूरी है बिजनेस एक्सपेंशन की, बिजनेस को बढ़ाने की उनकी मजबूरी है, इसलिए उन्हें लेना पड़ता है। लेकिन संजय जी, मैं अपने लाइफ की बात कहूंगा, जी 1975 की बात है, हम लोगों का लॉटरी व्यवसाय था और जो है आज भी। तो उत्तर प्रदेश से एक IAS ऑफिसर चेन्नई आए थे, वो लॉटरी के डायरेक्टर थे, तो जी उन्होंने मुझे खाने के लिए निमंत्रण दिया और मेरे सामने एक मेरा को बुला के कहा भाई कि शाम को हम दो लोग, एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे, तो दो लोग भोजन करेंगे, एक वेज खाना बनाना और एक नॉन वेज खाना बनाना। तो मैंने कहा साहब कि मैं तो जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों बनता है, तो मैं खाना खाता नहीं। तो उन्होंने कहा भाई कि ये क्या दक्यानुसी बातें करते हैं, हमारे लिए तो बहुत से जैन हैं, लेकिन वो तो ऐसा कुछ उनका संकल्प नहीं है, और वो तो कुछ खा भी लेते हैं कभी कभी। मैं बोला दोस्त लोग कुछ भी कर लेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकता। वो जी मेरे से नाराज से लगे। मैंने दूसरे दिन उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया, तो उन्होंने कहा भाई कि कल आपने हमारा अपमान कर दिया है, तो मैं अभी घर नहीं आ सकता हूँ। मैंने बोला ठीक है आप, मैंने तो अपमान की मेरी कोई ऐसी बात थी, मैंने आपको कहा कि आप खाना खिलाना तो दूसरे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट बहुत है, वहाँ चलते हैं खा लेते हैं, क्या नहीं नहीं कर, तो चले गए। लेकिन संजय आप बात नहीं मानेंगे, उस शख्स ने मेरी इतनी हेल्प की और इतना मेरा मेरे ऊपर विश्वास किया और इतना काम किया कि आज उस जिस पहुंचा हूँ उसके लिए वो मतलब जड़ बहुत स्ट्रांग कर दी। मतलब वो यहाँ उसको ये विश्वास हो गया कि ये आदमी संकल्पी आदमी है। जी 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 तो दारू नहीं पीने से सामने वाला ग्राहक कभी नाराज नहीं होगा, उल्टा वो आपका ज्यादा ही मतलब मान करेगा और आपको ज्यादा ही प्रेम करेगा और आपका ज्यादा ही आदर करेगा। जैन साहब, लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन बहाना बनाने वालों के लिए ये बहाना होता है। ये मेरे लाइफ की घटना है। जी। तो मैं क्योंकि उस समय हमारी 10,000 रुपए की बैंक के सामने मेरे को उन्होंने 10 लाख रुपए तक का, 10 से 15 लाख तक का, जी तो मैं बात से अंगीकार नहीं कर सकता हूँ कि सामने वाले को सेटिस्फाई करने के लिए आपको दारू पीना ही है या मांस का सेवन करना ही है। जी हम जी लोग बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत करते थे और करते हैं, लेकिन जैन हमारी साहब, कुछ आपकी इसके अंदर आपकी दारू और आपकी लाइन कहीं ठीक नहीं है क्या? आवाज एकदम साफ नहीं आ रही है। व्यूवर शायद पूरी बात सही रूप से सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। हाँ, अच्छा अब थोड़ा फोन आप मुंह के पास लाइए, स्पीकर के ठीक है पास। अभी ठीक है। हाँ जी। तो मेरा ये कहने का है भाई कि ये तो खाली बहानेबाजी है जैसे आपने कहा, बाकी इस संकल्प से कोई व्यापार में नुकसान होगा या काम में नुकसान होगा उस बात को मैं नहीं मानता हूँ, या अगला नहीं मानेगा, या जी, सोशल ड्रिंक से दोस्त नाराज हो जाएगा उस बात को मैं नहीं मान सकता हूँ। आपने बहुत सही बात कही। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से समाज की निर्देशिका में, समाज के पदाधिकारियों की संविधान में, संस्थाओं के संविधान में दूसरी बातें लिखी होती है, ठीक उसी तरह से जैन परंपरा की हर संस्था के संविधान में कम से कम ये बात प्रमुख रूप से लिखी जानी चाहिए कि किसी भी संस्था का पदाधिकारी वो ही हो सकता है जो नशा मुक्त हो,
जो शराब मुक्त हो, जो शाकाहार में ही संकल्पित हो, मांसाहार का सेवन नहीं करता हो, ये तीन बातें प्रमुख रूप से होनी चाहिए। यही बात है। हाँ सही बात है, होनी चाहिए और नहीं है तो उनको, लेकिन अभी क्या हो जाता है कि कभी ये बात, इस बात का भी मैंने उनसे कहा तो वो सामने वाले का तक था, फिर तो रुपए कौन देगा साहब। तो क्या जैन दर्शन खाली पैसे के ऊपर ही डिपेंडेंट है क्या, चरित्र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है क्या? बहुत बड़ी बात आपने कही, पैसों के बल पर। और साहब सबसे बड़ी बात है, हमारे साधु संत आचार्य भी पैसा देखते हैं। यदि साधु संत और आचार्य लोग कह दें भाई कि आप हमारे चरण स्पर्श मत कीजिए, यदि मद्य और मांस का सेवन करते हैं, आपने तो उसमें एक तर्क दिया गया कि हम कैसे पता करें कि वो मद्य और मांस का सेवन कर रहे हैं करके। मैं बोला हमको पता करने की जरूरत नहीं है, उसको खुद को तो पता है कि वो मद्य और मांस का सेवन कर रहा है, तो वो खुद ही हाथ नहीं लगाएगा। बस बस बस, बहुत बड़ी बात। साधु संत आचार्यों को भी ये कहना चाहिए कि भी जो लोग मांस का और शराब का सेवन करते हैं वे लोग फिर हमारे चरण स्पर्श न करें। लेकिन ये बहुत, मतलब मुझे लगता है आप भी कह रहे हैं, मैं भी इसमें आवाज मिला रहा हूं और जैन समाज के बहुत लोग इसकी इसमें अपनी आवाज मिलाएंगे, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़कर साधु संत समुदाय खुद ये पहल नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि अधिकांश साधु संत आचार्य भी रुपया देखते हैं, चरित्र नहीं देखते। लेकिन संजय जी मेरा ये मानना है कि साधु यदि इस बात को आवाज उठेगी और जनता की आवाज रहेगी तो साधु समाज को भी इसको मानना पड़ेगा। आपकी बात सही है, जनता जागरूक तो होती है, जनता जागरूक तो होती है, जनता समझती भी है, लेकिन वहां पर बोलने की हिम्मत लोग नहीं करते। अगर वहां पर सच बोलने की हिम्मत लोग स्पॉट पे कर देते तो जो जैन समाज के अंदर में विसंगतियां चल रही है, जो पाखंड, जो आडंबर चल रहा है, जो महावीर स्वामी के आगम के नियमों की खुल्लम खुल्ला अवेलना चल रही है, ये फिर नहीं हो सकती है। लेकिन ये समाज जाग करके भी सो जाता है, जहां पर बोलना होता है वहां पर बोलता नहीं है, इसलिए साधु संत आचार्य भी लीक से हट करके चलने लगते हैं। सही बात है, लेकिन अभी समाज को जागरूक करने का, क्योंकि अभी जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे चल रहा है, जागरूकता का एक अभियान के जैसा चल रहा है जी, तो यदि ये अभियान आगे चलता रहेगा तो फिर एक न एक दिन साधु समाज को भी झुकना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा भाई कि आप इस प्रकार का कार्य मत करो करके। आपने मतलब दो पॉइंट बहुत अच्छे दिए हैं आपने, एक तो पदाधिकारियों की बात कही है कि जो नशा करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, उन्हें किसी भी रूप में संस्था का पदाधिकारी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कितने भी धनाढ्य क्यों ना हो, चाहे कितना ही चंदा क्यों ना देते हो, और चाहे कितने भी योग्य क्यों ना हो, सबसे पहली योग्य प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए। आपने दूसरी बात, बहुत बड़ी बात जो है, आपने एक संकेत दिया कि साधु संत आचार्यों को भी ये कह देना चाहिए कि अगर आप मांस का सेवन करते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, तो कृपया करके आप हमारे फिर कदमों पर आप अपने स्पर्श मत कीजिए। ये बात, दो बात आपने कही, और एक बात ये भी हो सकती है कि तेरापंथ भवन में, स्थानक में, जितने भी जैन समाज के भवन हैं, धार्मिक भवन, संस्थागत भवन, वहां पर भी ये कोटेशन लिखा जा सकता है। यस सर, ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा ना कि जैन लोगों की पहचान ही मद्य और मांस है, कि ये लोग मद्य मांस का सेवन नहीं करने वाले हैं, और जब हम उसका सेवन करेंगे तो अपनी पहचान भी हम खो देंगे जी। तो उस पहचान को बचाए रखने के लिए भी अपने को मद्य और मांस का परहेज करना चाहिए, और नवयुवकों के ऊपर एक मैसेज जाना चाहिए, नहीं तो नवयुवक ये समझता है कि जैन दर्शन सुविधा का दर्शन है, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हो, आप व्यापारी के साथ बैठे हो तो उसको दारू पिला सकते हो, खुद दारू पी सकते हो, और आप मंदिर में जाते हो तो भगवान के चरण छू सकते हो, स्थानक में जाते हो तो संतों के चरण छू सकते हो, और जो पीढ़ी अभी की जो पीढ़ी है
वो जिनको जिनको जो बड़े लोगों को जो पदाधिकारी है उनको आदर्श मानती है तो वो समझती है कि हमारे आदर्श हैं, तो वो फिर वो भी वैसे ही चलने में उसको कोई कष्ट नहीं होता है। बिल्कुल आपने सही बात कही, समाज का आदर्श जब सब कुछ खाने और पीने वाला होगा, पदाधिकारी अगर वैसे होंगे तो नवयुवक जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यही सोचेगी कि समाज में ऐसा ही चलता है, सब कुछ मान्य है, तो फिर वो भी करेंगे। एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, हाँ सर, आप खाइए मत, ये तो ठीक है आपने संकल्प कर लिया, क्या खिलाना आपका संकल्प नहीं हो सकता कि आप खिलाएंगे भी नहीं? नहीं खिलाएंगे भी नहीं हम लोग, तो जैसे मैं अपनी बात कर सकता हूँ, हमारी कंपनी की बात कर सकता हूँ, तो पिछले 50 साल के अंदर हम लोगों ने बहुत पार्टियां रखी है लेकिन कभी भी नॉन वेज को हमने जगह नहीं दी। एक जगह तो हम लोगों को 2-3 प्रेस रिपोर्टर गाली दे के चले गए, फिर हमको क्यों बुलाया करके जी, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा जिन्होंने नहीं खाया, बिना खाए गए सब, लेकिन उन्होंने रिपोर्टिंग अच्छी की, तो रिपोर्टिंग की तो आपकी जो उसके अंदर जो क्या कहते हैं जो मीडिया में प्रेस ब्रीफिंग हुई वो आपकी एक्यूरेट गई, उसके हिसाब से रिपोर्टिंग करते हैं, खाले खिलाने से कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, असंतुष्ट होके गए लेकिन फिर भी उन्होंने जो सत्य लिखा। खाने की बात तो नहीं है, खिलाना भी 101% नहीं होना चाहिए। बिल्कुल राइट बात है, आप न तो खाएंगे न खिलाएंगे, खिलाएंगे बिल्कुल बिल्कुल, खाने वाले को भला जानेंगे न खिलाने वाले को भला जानेंगे, न पिएंगे न पिलाएंगे, पिलाएंगे बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि जैन समाज की संस्थाओं के पदाधिकारी कैसे होने चाहिए। सबसे बड़ी प्राथमिकता आपके पदाधिकारी नशा मुक्त होने चाहिए, शाकाहार वाले होने चाहिए, मांसाहार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम धार्मिक स्थानों में नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, हम बाहर खा लेंगे पी लेंगे, बिल्कुल नहीं। आपके जीवन में ये चीजें किसी भी रूप में नहीं आनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पदाधिकारी समाज का आईना होते हैं, समाज की पहचान होते हैं, और अगर पदाधिकारी इस तरह से होंगे खाने वाले पीने वाले तो फिर आने वाली पौध भी उसी तरह से होगी। और सबसे बड़ी बात, जैन समाज की जो परंपरा है, जो मर्यादा है, उस पर सबसे बड़ा दाग लगेगा। जैन साहब कोई खास बात, कोई खास बात जो आप इस विषय में मुझसे छूट गई हो, आपसे अब तक छूट गई हो, आप अब उसे पूरा करना चाहते हैं? नहीं, मैं और एक बात साझा करना चाहता हूं कि जैन समाज के द्वारा पूरे हिंदुस्तान में हजारों स्कूलें चलाई जाती है जी, उन स्कूलों के अंदर भी अपने स्कूलों का जो कैलेंडर निकलता है उसके अंदर सूचनाएं देते हैं, तो उसने भी देना चाहिए कि हमारे स्कूल के परिसर के अंदर किसी प्रकार की नॉन वेज खाना कोई नहीं ला सकता, इंक्लूडिंग एग्स। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही, जैन समाज की स्कूलों में बच्चे दूसरे समाज के भी आते होंगे लेकिन नॉन वेज, बिल्कुल आते हैं, नॉन वेज कोई नहीं ला सकता। और अगर इस परंपरा को कोई मानता हो वही इसी स्कूल में एडमिशन ले सकता है, अन्यथा उसका एडमिशन भी नहीं होगा। हाँ, ये बिल्कुल तो, आपने बहुत सही इशारा किया, शिक्षा के क्षेत्र से शुरुआत से ही यह बात जानी चाहिए। तो उसे जैन साहब एक बहुत बड़ी बात जाएगी, जो बच्चे हैं वहीं से वो संस्कारित हो जाएंगे। हाँ, वहीं से वो संस्कार, क्योंकि घर से भी वो नहीं ला सकते हैं, घर से नहीं ला सकते, स्कूल में नहीं खा सकते, ये संस्कार उनके मस्तिष्क पे आएगा और फिर जब बड़े हो जाएंगे, युवा बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, तब भी फिर ये संस्कार उन्हें मांस खाने नहीं देगा, नॉनवेज खाने ही नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात है, और निश्चित रूप से जैन समाज की जितनी भी स्कूलें हैं उन सब के प्रबंधकों को यह सोचना चाहिए और बहुत कड़ाई से अपना ये नियम बनाना चाहिए, और इस बात की नहीं सोचना चाहिए कि भाई कौन बच्चा क्या लाता है, हम कोई देखने के लिए जाते हैं क्या, ये सवाल हो सकता है, तो
आप रूटीन में कभी भी फ्लाइंग चेकिंग कर लीजिए, आप सीसीटीवी कैमरेज रहते हैं उनसे जांच करते रहिए, पता चल जाएगा, चोरी कभी ना कभी किसी की पकड़ी जाएगी। और अगर वो चोरी पकड़ी जाए तो आपका प्रावधान ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी को हमने नॉनवेज खाते देख लिया तो उसे बिना किसी वार्निंग के सीधा स्कूल से बाहर किया जाएगा, उसका नाम कट कर दिया जाएगा। तब उस बच्चे के गार्जियन, उस बच्चे के पेरेंट्स बहुत गंभीरता से ध्यान रखेंगे। एकदम सही है, ये होना चाहिए। और उस जैन स्कूलों के जो पदाधिकारी हैं उनको भी इन सब चीजों से परहेज रखना चाहिए। बिल्कुल, हमने तो कह दिया ना सर, पदाधिकारी तो जितने भी जैन समाज के हैं, वो चाहे स्कूलों के हो, वो चाहे संस्थाओं के हो। अभी स्कूल की भी बात करते, स्कूल कॉलेजेस के भी पदाधिकारियों को इन सब चीजों से परहेज करना चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जैन समाज की हर संस्था, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो धार्मिक संस्थान हो, चाहे वो सामाजिक संस्थान हो, इसमें भी परहेज होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूंगा कि शादी विवाह के उत्सव में भी पूरा परहेज इन सबका होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। नहीं, आजकल कई जगह सुनने को आता है कि वही कॉरपोरेट वाली बात, कि कई जगह कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती है, चाहे चुपके चुपके ही हो लेकिन हो जाती है। तो न तो सामने होनी चाहिए न चुपके चुपके होनी चाहिए, ये प्रावधान हमारा इतना पक्का होना चाहिए कि हमारे यहाँ मांस की, शराब की, किसी भी तरह की कोई भी सुविधा, कोई भी व्यवस्था नहीं होगी। जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए, इतना कड़ा नियम होना चाहिए। और मैं आपसे भी ये कहूंगा कि साधु संत समाज का सबसे बड़ा दायित्व तो बनता है, अगर वो इसमें थोड़ी सी अपनी भूमिका निभाएं, तो जैन साहब आपने जो ये बातें कही है वो हकीकत के पर्दे पर बहुत सही रूप से उतर सकती है। और साधु समाज को आपने जैसे कहा कि भूमिका, अहम भूमिका उनकी होनी चाहिए, उनको हर प्रवचन में या जब भी है, या साधु समाज से कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती है कि सुगाल जी पी रहे हैं या कौन पी रहा है, उनके कान में पड़ ही जाती है जी। तो उनको वो अलग से भी बुला के बात कर सकते हैं, सबके सामने भी कर सकते हैं, कैसा करना, फिर आप हमारे पास क्यों आते हो जी जी जी, तो मतलब जा सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। जैन साहब आपने बात बिल्कुल सही कही, रास्ते तो बहुत हैं, साधु संत चाहे, आचार्य चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे साधु संत आचार्य भी ये देखते हैं कि कौन व्यक्ति भवन बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, स्थानक बनाने के लिए, या कोई अच्छी सुविधा करने के लिए कितना खर्च कर सकता है। और अगर वो खर्च कर सकता है तो फिर उसके हजार गुना माफ है साहब। ये बात नहीं चाहिए, ये कड़वा सच है, और इसी सच की वजह से ये समाज में विसंगति आ रही है। समाज में विसंगतियों के दोषी समाज के लोग नहीं हैं, इस समाज में विसंगतियों के दोषी आध्यात्मिक पथिक हैं, साधु संत आचार्य हैं। और कुछ अपवाद में जरूर कहूंगा जो मूलतः मर्यादा और परंपरा में चलते हैं, जिनको इन बातों से कोई मतलब नहीं, जो जो विशेष विशेष रूप से आगम के सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, उन पर हमारी पूरी श्रद्धा है, उन पर हमारा किसी भी तरह का कोई भी सवाल नहीं है। लेकिन बाकी सब पर सवाल हैं, क्योंकि सबसे बड़े गुनहगार, इस समाज को विसंगतियों के गर्त में धकेलने वाले साधु संत समाज ही है। और कोई खास बात? थैंक यू साहब, बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। आपका अगर कोई ऐसा विचार रहा हो जो आप इस मामले में कहना चाहते हैं, वैसे बात हमारी पूरी आ गई, क्योंकि मुख्य मुख्य भूमिका साधु संत आचार्य को निभानी है। सबसे बड़ी भूमिका उनकी है, करते रहेंगे, प्रताड़ित करते रहेंगे तो लोग छोड़ देंगे, क्योंकि समाज जैन समाज पूरा संतों के द्वारा ड्रिवन समाज है। संत जो बात करते हैं उसको वो मानते हैं जी। चाहे आप हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको पैसा इकट्ठा करना है,
में मुश्किल आएगी, लेकिन मंदिर या भवन या स्थानक भवन बनाने में आपको पैसा इकट्ठा करने में मुश्किल नहीं आती है। खड़े खड़े होते हैं साहब, खड़े खड़े घोषणाएं होती है। ये आपने समाज के किसी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सहायता देनी है तो लोग हजार बार सोचते हैं कि हाँ, देना है या नहीं देना है, लेकिन जहां पर नाम आ सकता है, जहां पर पूरे समाज में नाम आ सकता है, वहां पर घोषणाएं कई बार तो अपनी हस्ती से भी ऊपर हो जाती है, और उसके बाद लोग संस्थाएं ये भी कहती है कि घोषणा तो कर दी, पैसा भी नहीं आया। नहीं, वो अपने समाज में अभी 5-10% का 90% लोगों का पैसा आ जाता है, मेरा जो तजुर्बा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल है, आप वाली बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ ऐसी आवाजें भी आती है कि लोग घोषणाएं कर देते हैं, घोषणा कर देते हैं फिर नहीं देते, वो 10% लोग हैं, 90% अपने समाज के अंदर। आज तक तो वो अभी तक वो स्थिति नहीं आई है कि घोषणा करने के बाद नहीं दे, 50% भी नहीं दे, या 90% लोग दे देते हैं, मेरा जो तजुर्बा है। लेकिन मुख्य क्या होता है कि चेहरा देख के भी लिख के घोषणा कर देते हैं, या नाम के लिए भी घोषणा कर देते हैं। जी 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 जी, और कई बार तो कंपटीशन में घोषणा कर देते हैं कि भाई मेरे मुकाबले इन्होंने जब कर दिया तो मेरा नाम भी तो रखना है, इसलिए करवा देते हैं। और इसमें भी बड़ी कूटनीति होती है, लोग उस व्यक्ति से पहले करवाते हैं, फिर इस व्यक्ति से करवाते हैं, उसको मजबूर करते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं चलती है। लेकिन हमारा मूल विषय बिल्कुल वही है कि साधु संत समाज को अपनी भूमिका निभानी होगी और जैन दर्शन की परंपरा को बचाना होगा, और उसमें सीधी बात कि मांसाहार नहीं होना चाहिए, नशा मुक्ति होनी चाहिए, और वो ही समाज का पदाधिकारी होना चाहिए। तो जैन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपने आज एक नया विषय दिया, नई थॉट दी, और ये मुझे लगता है समाज के हर जागरूक व्यक्ति के लिए ये बड़ा विचारणीय विषय होगा, और समाज के हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में इस विषय पर बात करेंगे, और जिस जिस संस्था में उसका कनेक्शन है उस संस्था के पदाधिकारियों की वो खुद परख करेंगे कि ये पदाधिकारी क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और अगर ऐसा होता है तो वे लोग कहीं ना कहीं सवाल उठाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है कि फिर आपका बोलना और हमारा ये वीडियो बनाना फिर ये कहा जाएगा कि सार्थक हुआ है। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा, आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार। हमारे साथ थे चेन्नई के श्रीमान सुगाल चंदी जैन साहब, जिन्हें आप सुन रहे थे। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।